नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीर मिश्रा क्लासेस में। आज हम सीखेंगे कि कंपनी से रिलेटेड और टैली से रिलेटेड की इंफॉर्मेशन, उसका इंट्रोडक्शन एज ए प्रैक्टिकली। टैली का इंट्रोडक्शन प्रैक्टिकली हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं टैली खोल रखा है। देखिए, टैली के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो है ही है, लेकिन इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जहाँ पर टैली ERP 9 आ रहा है, ये आपका टाइटल बार है। बाकी आपका जहाँ पर प्रिंट आ रहा है, एक्सपोर्ट आ रहा है, ईमेल अपलोड, ये आपका हॉरिजॉन्टल आइकन्स हैं आपके। और इस साइड F1, Alt F1, ये जो शॉर्टकट कीट्स हैं, F2, Alt F2, ये सारी चीज़ें आपके वर्टिकल आइकन्स हैं। और बाकी नीचे आप देखेंगे आपका स्टेटस बार है, जहाँ पर टैली मेंस गेट ऑफ टैली लिखा है, जहाँ पर आप देखते होंगे पावर ऑफ सिंप्लिसिटी ये लिखा हुआ है। और बाकी ये लाइसेंस मोड एज एजुकेशन मोड, ये सारा स्टेटस बार है। और देख सकते हैं यहाँ पर टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 1988 लिखा हुआ, ये भी आपका स्टेटस बार है। और कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, या ये भी आपका स्टेटस बार में आता है। तो ये आपका टाइटल बार है, ये आपका हॉरिजॉन्टल आइकन से, ये आपके वर्टिकल आइकन से, और नीचे आपका स्टेटस बार। देखिए, जो मेन काम होता है टैली में वो यहाँ से स्टार्ट है। देखिए, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी यहाँ पर, यानी कोई कंपनी बना रखी हो तो यहाँ पर दिखेगी। जैसे वेद मिश्रा प्राइवेट लिमिटेड बनी हुई कंपनी है, यहाँ पर दिख रही है। बाकी मेन काम यहाँ से इस डेस्कटॉप से होगा, गेट ऑफ टैली से। देखिए, गेट ऑफ टैली के अंदर ही सब कुछ मटेरियल है। इन्हीं 4 से 5 सब हेडिंग्स के अंदर पूरा मटेरियल है टैली के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। बारी बारी समझते हैं। जैसे गेट ऑफ टैली के अंदर मास्टर्स आ रहा है। देखिए, मास्टर्स के अंदर क्या होगा, कंपनी तो आपने क्रिएट कर रखी है। इस कंपनी के अंदर जितने भी लेन देन होंगे, उनके जो खाते बनेंगे वो इससे बनेंगे, यानी लेजर्स। तो मास्टर्स के अंदर लेजर्स बनते हैं, चाहे वो स्टॉक से रिलेटेड हो या फिर किसी आइटम से रिलेटेड हो। जैसे देखते हैं अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो में क्या होगा, यहाँ पर जाएंगे लेजर्स पे, यहाँ जाएंगे क्रिएट पे, क्रिएट पे जाएंगे तो क्रिएट कर सकते हैं, यानी किसी लेजर को, जैसे एसेट का कोई हो गया, एक्सपेंस हो गया, लॉसेज हो गया, इस तरह के आइटम्स का क्या करेंगे हम, लेजर्स बनाएंगे, डिस्प्ले में उनको देख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, जब आप टैली एजुकेशन मोड के अंदर चलाते हैं, आपको कैश और पेनरल के लेजर्स पहले से बने हुए मिलते हैं। अगर अब अगर आपको इसको अल्टर करना है, यानी इसके अंदर कुछ अमाउंट का सेटिंग करना है या फिर लेजर को डिलीट करना है, तो अल्टर में ही जाएंगे और यहाँ पर ऑल प्लस डी दबा देंगे, तो यहाँ से ये डिलीट भी हो जाएंगे। ये रहा लेजर्स के अंदर, अकाउंट इन्फो के अंदर लेजर्स बनते हैं। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर क्या होगा, स्टॉक आइटम क्या बनता है, स्टॉक आइटम वाले लोग जिस चीज की आप बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट मेरे लिए क्या है, स्टॉक आइटम, क्योंकि उसके बगैर मेरा बिजनेस नहीं चल पाएगा। यानी ट्रेडिंग थिंग्स क्या होंगी आपकी, स्टॉक आइटम। इसमें भी सेम टू सेम है, क्रिएट करना चाहे क्रिएट पे, डिस्प्ले में देखेंगे, और अल्टर में डिलीट करना है या फिर कुछ चेंजमेंट करना है, ये सारे काम इन्वेंट्री इन्फो में होगा। ये रहा मास्टर्स का। रही बात ट्रांजेक्शंस की, तो ट्रांजेक्शन अंदर लेन देन, जो भी आपके लेन देन होंगे उनको रिकॉर्डिंग किया जाएगा, चाहे वो इन्वेंट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड हो। देखिए, टैली के अंदर 8 टाइप्स के मेनली अकाउंटिंग वाउचर हैं। 8 प्रकार के अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं टैली के अंदर। पहला हो गया कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। ये 8 आपके वाउचर्स हैं टैली के अंदर। इसमें आपको DR और CR की हेल्प से आपको एंट्रीज पास करनी होगी डेली बेसिस की। ये सारे काम किस में होंगे, अकाउंटिंग वाउचर में। इन्वेंट्री वाउचर में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्टॉक, यानी कि एक ट्रांसफर किया जाता है मटेरियल को, जैसे कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन तक का काम किया जाता है इन्वेंट्री से रिलेटेड। तो ये मेनली आपका आएगा जब आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे। तो देखिए, मास्टर्स के अंदर लेजर्स, ट्रांजेक्शन के अंदर लेने को रिकॉर्डिंग करना। अब यूटिलिटीज, उसके लिए यूजमेंट होगी जो BRS काम करते हैं, यानी बैंक से रिकॉन्सिलेशन, ये यूटिलिटीज का काम वहाँ पर होगा। और यहाँ पे आपको डाटा अगर कहीं पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, उसके लिए बात आती है यहाँ पर। अब जो भी आप यहाँ पर मास्टर्स में या ट्रांजेक्शन में जो भी आप अमाउंटिंग करेंगे या फिर कुछ भी रिकॉर्डिंग करेंगे या कोई भी लेजर्स या एंट्री पास करेंगे, उसका रिकॉर्ड भी देखना होगा। तो वो कहाँ से दिखेगा, रिपोर्ट से। रिपोर्ट में अगर बैलेंस शीट की बात की जाए, बैलेंस शीट में जितनी भी आपकी एसेट और लाइबिलिटीज होती हैं किसी कंपनी की, वो दिखेंगी। तो देखिए, लाइबिलिटीज साइड और एसेट साइड देखेंगे आपकी। रही बात प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, वो सब किस में देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, ये इस तरह देखा जाता है।
स्टॉक समरी का मतलब, यानी कितना स्टॉक आपके पास है। मान लीजिए 10 लेजर्स आपने बना लिए इन्वेंट्रीज के, उसमें से 5 आपने खरीद लिए, फिर 5 सेल कर दिए, तो उसका रिकॉर्ड किसमें देखेंगे? स्टॉक्स का किसमें देखेंगे? स्टॉक समरी, ये इसमें काम होगा। बाकी रही रेशियो एनालिसिस, यानी कि रेशियोज होते हैं कि इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी कंपनी बेहतर है या बेकार चल रही है। तो इसमें क्या होता है रेशियो एनालिसिस, करंट एसेट कैसी चल रही है, सोल्वेंसी कैसी चल रही है, या फिर रिटर्न अच्छा दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे शेयर होल्डर को, उसके लिए। रिपोर्ट्स के अंदर रिपोर्ट देखी जाएंगी, मास्टर्स के अंदर लेजर्स, ट्रांजेक्शनल लेन देन, और डिस्प्ले के अंदर आप जाएंगे तो डिस्प्ले के अंदर आप एंट्रीज देख पाएंगे डेली बेस के, साल भर के, मंथली वाइज के, जो भी लेन देन आपने रिकॉर्डिंग करें। फिट में आप बाहर जा सकते हैं, तो देखिए डिस्प्ले में आप एंटर करेंगे, यहाँ पर जाएंगे डे बुक में, यहाँ पर डे बुक में जाएंगे तो जितने भी लेन देन होंगे वो सब कुछ देखेंगे, आपके पर मंथ से देखना चाहे, बर्थडे से देखना चाहे, या फिर ईयरली देखना चाहे, सब देख सकते हैं यहाँ से। ये काम किस में होगा? डे बुक में। ये पूरा गेटवे ऑफ टैली का, और बहुत ज़्यादा नहीं है टैली में के अंदर, बस इतना ही है, और थोड़ा सा इसे और अंदर है डिस्प्ले के अंदर, बस यही पूरा टैली है आपका। आशा करता हूँ ये शॉर्ट डिटेल आपको समझ में आया होगा टैली का।